क्योंकि भगवान शिव के मस्तक से अधिक महत्व, भगवान शिव के चरण से अधिक महत्व भगवान शिव के लिंग की है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, ऊपर सात लोक है, नीचे सात लोक है। स्वर्ग में भगवान शिव के मस्तक की पूजा होती है, पाताल लोक में भगवान शिव के चरण की पूजा होती है, और मृत्यु लोक में जहां आप और हम रहते हैं वहां शिव के लिंग की पूजन होती है, शिवलिंग की पूजन। हाथ जोड़ करके प्रश्न किया नंदीश्वर से, कहा कि महाराज इस लिंग का प्राकट्य कैसे हुआ और इस यह लिंग पत्थर का कैसे हुआ, क्या कारण है कि लिंग पत्थर का ही हुआ। तब नंदीश्वर कहने लगे, हे सनत कुमार, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बैठ करके मीटिंग कर रहे थे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा तुम मेरी नाभि से जन्म लिए। ब्रह्मा ने फिर प्रश्न किया कि फिर आप कहां से जन्म लिए, आपका भी तो कोई जन्म जाता होगा। और विचार करिएगा, भगवान विष्णु का प्राकट्य की कथा हमें बहुत कम पता है। तब दोनों ने एक निर्णय लिया, और निर्णय क्या है, कहा कि हमें जानना है कि हम आए कहां से, हम सबके पिता कौन है, परम पिता कौन है, और इनको जानने के लिए दोनों ने एक बहुत बड़ा पर्वत लिया। दोनों सामर्थ्यवान हैं, एक विशाल पर्वत, और उस विशाल पर्वत की उत्तर की ओर भगवान विष्णु खड़े हुए, दक्षिण की ओर ब्रह्मा खड़े हुए, और उस पर्वत को घुमाया। इधर से भगवान विष्णु पुश करते थे, उधर से ब्रह्मा जी पुश करते थे, पर्वत घूमने लगा। पहले तो धीरे धीरे घूमता है, उनके बाद फिर थोड़ी तेजी आई, जैसे पंखा होता है ना, रेगुलेटर होता है, एक नंबर करोगे तो धीरे धीरे घूमेगा, फिर दो नंबर में, फिर तीन और चार होते, पांच होते तक तो पंखा ही पता नहीं चलता, पंखुड़ी ही नहीं दिखती उनकी। फिर ऐसा घुमा पर्वत, इतना घुमा, इतना घुमा, इतना घुमा कि वह पर्वत दिखता ही नहीं था, जैसे पंखे नहीं दिखते वैसे ही इतने घूम रहे हैं। और उस पर्वत में घूमने के कारण अग्नि उत्पन्न हो गई, अग्नि धधकने लगा, भगवान ब्रह्मा भी दूर हो गए, भगवान विष्णु भी दूर हो गए, उनको वैसे ही छोड़ दिया। और वही पर्वत घूमते घूमते जब छोड़ दिया, जब घुमाना बंद कर दिया, तो वही पर्वत घूमते घूमते पहले थोड़े कम हो गए, जैसे पंखा फास्ट होता है, चार नंबर करो, तीन नंबर करो, दो नंबर करो, फिर एक नंबर करो, फिर बंद कर दो, वैसे ही धीरे 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 कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और उस पर्वत ने एक लिंग का रूप ले लिया, उसी पर्वत ने एक लिंग का रूप लिया, और भगवान उसी लिंग के अंदर भगवान शिव की आकाशवाणी हुई, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, और मैं ही शिव हूं। बोले शंकर भगवान की, भगवान शिव प्रकट हुए लिंग के रूप में। और जब आकाशवाणी हुई तो भगवान विष्णु ने उस शिवलिंग को वंदन किया, प्रणाम किया। देखो जिस इच्छा से हम कोई भी क्रिया करेंगे, इसका आशय क्या है, हम जिस इच्छा से भगवान शिव की पूजन करेंगे हमारी वह इच्छा पूर्ण होगी ही होगी। ब्रह्मा और विष्णु जी ने अपने पिता को जानना चाहा, तो भगवान शिव प्रकट होकर के भगवान नारायण को उपदेश करते हैं कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं। भगवान विष्णु ने तो मान लिया कि मेरे पिता हैं, लेकिन ब्रह्मा जी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी को थोड़ा अभिमान हो गया, हम नहीं मानेंगे,
हम मानते ही नहीं कि यही शिवलिंग है और शिवलिंग में भगवान ने जन्म लिया है। भगवान विष्णु तो बार बार प्रणाम करते थे, ब्रह्मा जी तो ऐसे अकड़ करके देखते थे उनको, हम मान ही नहीं सकते कि वो हमारे पिता है। देखो ब्रह्मा की दशा कैसी है बताए, कभी कभी बच्चे छोटे रहते हैं तो अपने माता पिता के एल्बम देखते हैं तो माता पिता से पूछने लगते हैं कि शादी हुई थी आपकी तो हम कहां थे। एल्बम जब दिखाने लग जाए ना माता पिता बच्चों, बच्चे जब एक दो साल के हो जाए जब तो बच्चे देखते हम नजर नहीं आ रहे। बस यही दशा ब्रह्मा की है, हम मानेंगे ना। देखो राजहट बालहट और त्रियाहट, कभी कभी किसी के जीवन में बचपना होता है। बालहट मतलब केवल बच्चा ही नहीं भैया, कभी कभी बड़े लोग भी बालहट करना शुरू करते हैं, बड़े लोग भी बच्चे के समान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी नहीं माने, भगवान नारायण ने खूब समझाया। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा तुम्हारी पांच खोपड़ी है, भगवान विष्णु के एक ही सर है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताइए, रावण के कितने सर थे? 10 सर थे कि नहीं रावण के? ब्रह्मा जी ज्ञानी खूब थे लेकिन मान नहीं रहे, बोले ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया, हम कैसे माने कि यही शिवलिंग है। कभी कभी रावण जैसे प्रवृत्ति के लोग 10 मुंडी थे रावण के, अच्छा विचार करिएगा 10 सिर रहा होगा तो 10 सिर कैसे रहा होगा, बीच में जब एक रहा होगा तो इधर 4 रहा होगा, इधर 5 रहा होगा, तभी तो 10 होगा। एक और 4 और एक और 5 रहा होगा, तो कभी विचार करिए जिधर 5 रहा होगा उधर अधिक वजन रहा होगा कि नहीं। तो रावण का सर ऐसा ही रहा होगा। देखो जो ज्ञान के अभिमान में रहते हैं ना जीवन भर, उसकी मुंडी कभी सीधी होती नहीं है, वो सीधे मुंह किसी से बात करते ही नहीं है। जिनको ज्ञान का अभिमान होता है, अच्छा एक बात बताएं, हम कभी कभी एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, बोले रावण के बोले 10 मुंडी थे, बोले हाँ 10 मुंडी थे, तो उसने कहा कि रावण सीधा सोता रहा होगा, सिंगल बेड में तो नहीं आता होगा, जब सोता रहा होगा रावण करवट कैसे लेता होगा गुरुजी, करवट कैसे लेकर के सोएगा। देखो इसका आशय यह है, जो अभिमानी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है ना वो करवट नहीं ले सकता, वो सीधे ही रहता है। अच्छा रावण के 4 इधर थे 5 इधर थे, तो रावण जैसे व्यक्ति का जो ज्ञान होता है ना इधर वालों के लिए होता है, उधर वालों के लिए होता है, खुद के लिए नहीं होता। तुम भी सीखो, तुम भी जानो, तुम भी जानो, खुद ना जानो। एक दिन एक व्यक्ति ने रावण से प्रश्न किया, रावण से कहा कि रावण जब तू हंसता है तो तुम्हारे 10 मुख से ठहाका मारने की आवाज आती है, बड़ा भयंकर लगता होगा। रावण तू हंसता है तो बड़ा भयंकर लगता होगा, लेकिन रावण जब तू रोता होगा 10 मुंडी में 20 आंख और सबसे आंसू बह रहे हैं तो तू कैसा दिखता होगा। रावण ने कहा मूर्ख, रावण रुलाने का काम करता है, रावण रोता नहीं। तो जो अभिमानी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। अभिमानी जो लोग होते हैं, देखिए ज्ञानी को समझाया जा सकता है, ज्ञानी को समझाया जा सकता है, जो कुछ नहीं जानता है उनको भी समझाया जा सकता है, जो बहुत कुछ जानता है उनको भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है ना उनको नहीं समझाया जा सकता। अभिमानी का मतलब क्या होता है पता है? जो हम कर रहे हैं वही बढ़िया है,
जो हम कर रहे हैं वही अच्छा। वे होते हैं अभिमानी। एक दिन कबीरदास जी से किसी ने पूछा, कबीरदास जी से कहा, आप गुरु हैं कि चेला हैं? तो कबीरदास जी ने कहा, हम ज्ञानियों के गुरु हैं और अज्ञानियों के चेला। जो ज्ञानी है उनको गुरु बन के समझाएंगे, और जो अज्ञानी है, जो अभिमानी है, जो बात नहीं मानने वाले, उनको ही चेले बन जाते हैं। भैया तुम ही बड़े, हम ही छोटे। तो कभी कभी ना जीवन में यह भाव होना चाहिए। अगर कोई अज्ञानी पुरुष मिल जाए ना, तो वहां मौन रहना चाहिए। एक दिन अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल कभी तुम्हारे पिताजी को भेजो, तुम इतने जानकार हो, तुम्हारी बुद्धि की परिचय तुम ऐसे देते हो, कभी अपने पिताजी से मिलाओ हम। अब बिरबल ने पिताजी से कहा, पिताजी राजा साहब आपसे मिलना चाहते हैं। पिताजी डर गए, उतने बड़े राजा से हम मिलेंगे? अरे हमें बोलना उलना कुछ नहीं आता, अगर मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए तो कुछ आफत आ जाएगी। बिरबल ने कहा, पिताजी कुछ नहीं बोलना है आपको, चुप रहना है, मौन रहना है, कुछ भी नहीं बोलना। ध्यान से सुनिएगा। अब बिरबल के पिताजी गए, अकबर ने बिरबल के पिताजी को बिठाया सामने, बैठो जी सरकार, बैठ गए। अब बोलना शुरू, बिरबल के पिता बोले, हाँ बिरबल कैसी थी पढ़ाई में, पढ़ाई क्या क्या हुई, कहां तक हुई थी उनकी, शुरू से ऐसे ही था, बहुत जानता है, आपका ज्ञान कहां तक है, कहां आपकी पढ़ाई हुई, क्या खिलाते हो, क्या खूब पूछा। अब वो एकदम चुप थे, एक घंटे तक पूछा, चुप थे। अकबर ने कहा, कुछ बोलोगे, चुप ही रहोगे? अब वो एकदम चुप थे, चुपचाप चले गए वहां से। बाद में जब बिरबल आया तो अकबर ने पूछा, बिरबल हाँ जहां बना, अगर कोई मूर्ख से लग पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? देखो स्पष्ट नहीं कहा, तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं बोला, मैं इतना बोला, फिर भी मूर्ख है उनके पिताजी। तो अकबर ने कहा, बिरबल अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बिरबल ने कहा, वही करना चाहिए जो हमारे पिताजी कर रहे थे, चुप रहना चाहिए। इसलिए जो मूर्ख होते हैं ना, उनके सामने मौनी रहो तो बढ़िया। तो ब्रह्मा जी ने मानने के लिए तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी खूब बोला गया लेकिन फिर भी तैयार नहीं हुए, और ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया, हम मानेंगे नहीं, हम जानेंगे इनको। और भगवान शिव के उस लिंग को जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, भगवान विष्णु से कहा कि तुम्हें भी जानना है और मैं भी जानना चाहता हूं, तुम कहां जाना चाहोगे? भगवान विष्णु ने कहा, ये तो साक्षात शिव हैं और शिव के चरणों में इस दास का स्थान है, इसलिए मैं चरणों की ओर जाऊंगा, मैं नीचे जाऊंगा। तो भगवान विष्णु नीचे गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर गए। कई वर्षों तक ब्रह्मा ऊपर जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए, लेकिन भगवान विष्णु कुछ दूर ही जाकर के वापस आ गए, क्योंकि समझ गए यह तो अजन्मा है, यह तो अनंत है। भगवान शिव के एक छोर को पाना संभव नहीं है, शिवलिंग के एक छोर को पाना संभव नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने और ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते गए, उड़ते गए। उसी शिवलिंग के मध्य में उनको एक केकती मिली, केकती का पुष्प मिला, वह नीचे गिर रही थी। केकती का पुष्प मिला, ब्रह्मा जी ने केकती से कहा कि केकती कहां से आ रही हो, ऊपर शीर्ष से नीचे उतर रही हो? केकती ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो शिवलिंग के मध्य से नीचे गिर रही हूँ, लेकिन मुझे खुद पता नहीं कि इनका ऊंचाई कितना है, कई वर्षों से मैं खुद नीचे गिर रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, झूठ बोलोगे? केकती ने कहा, क्यों झूठ बोले? ब्रह्मा जी ने कहा, अगर तुम झूठ बोल दोगे
तो मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम सभी देवी देवता में चढ़ना प्रारंभ हो जाओगे। एक झूठ बोलना है, झूठ केवल इतना ही कहना है कि मैंने तुमको शिवलिंग के शीश से उठा करके लाया। मान गई केकते, सब देवी देवताओं में चढ़ने का भाव आया। रास्ते में गौ माता मिली, ब्रह्मा जी ने गौ माता को भी अपने साथ मिला लिया। गौ माता से भी कहा कि गौ मैया तुम भी झूठ बोलोगी ना मेरे लिए, अगर झूठ बोलोगी ना गौ माता तो सबसे पहले रोटी ना तुम्हारे निकलवाऊंगी मैं। हाँ, ऐसा वरदान दूंगा कि लोग देवता से भी पहले तुम्हारे लिए गोग्रास निकालेंगे, रोटी निकालेंगे। अब वो भी खुश हो गई गौ माता, चले गए। ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान विष्णु से कहा कि विष्णु हमने अंत देख लिया है और शिवलिंग का अंत देखा और उस शिवलिंग के अंत से हमने इस केकती के पुष्प को लाया है। और केकती भी बोलने लगी कि हाँ हाँ हमें ये शिवलिंग के शीर्ष भाग से उठा करके ला। और भैया केकती ही झूठ नहीं बोले, गौ माँ भी झूठ बोलने लगी। गौ माँ भी कहने लगी कि हम भी सामने थे, हम भी इनका प्रमाण दे सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने सिर से ही प्राप्त किया है इनको। भगवान शिव जी को इतना बुरा लगा, शिवलिंग से आकाशवाणी हुई, कहा कि केकती तू झूठ बोल रही है, विष्णु के सामने ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, तू भी झूठ बोल रही है। इतना अभिमान तुम्हें हो गया है, इतना विश्वास ब्रह्मा पर हो गया है, झूठा का संग करके तू झूठ बोल रही है। जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद तू मुझ पर नहीं चढ़ेगी, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। और गौ माता तू भी झूठ बोलने लगी, और गौ माता को भी श्राप दे दिया भगवान शिव ने। और एक और निवेदन करूं भैया, गौ माता एक बार श्रापित नहीं हुई है, गौ माता दो बार श्रापित हुई है। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बार कब श्रापित हुई है? जब भगवान राम ने दशरथ का पिंडदान किया था फाल्गु नदी में। फाल्गु नदी में जब पिंडदान किया तो संध्या हो चुका था, जिस समय पिंडदान करना था तो भगवान राम ने कहा सीता तुम यहीं रुको, रात्रि में पिंडदान नहीं करेंगे, संध्या में नहीं करेंगे, प्रातः होने दो, और हम आ रहे हैं, हम अन्न लेकर के आ रहे हैं, हम चावल पका करके ला रहे हैं, हम अपने हाथों से चावल पका करके पिंडदान करेंगे। इधर राम जी तो चले गए, लेकिन इधर मेरी माँ जानकी रात्रि विश्राम करके जैसे सुबह उठी तो दशरथ जी गुहराने लगे, कहा कि पुत्री मैं नरक चला जाऊंगा, अरे मेरा पुत्र पिंडदान नहीं कर रहा है तो तू तो पिंडदान कर सकती है, कृपा कर मुझ पर, कृपा कर मैं नरक चले जाऊंगा, मुझे नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, अरे कुछ तो कर। और उसी समय मेरी माँ जानकी ने उसी फाल्गु नदी के रेत से पिंड बनाया, रेत से पिंड बनाया, चार पिंड बनाए गए थे, एक ब्राह्मण के लिए, दूसरा गौ माता के लिए, तीसरा फाल्गु नदी के लिए, तीसरा और चौथा दशरथ जी के लिए। पिंडदान किया, सब ने लिया, ब्राह्मण ने भी लिया, गौ माता ने भी लिया, फाल्गु नदी ने भी प्राप्त किया उस पिंड को, और दशरथ जी ने भी प्राप्त किया उस पिंड को। बाद में जब राम जी का जब आगमन हुआ, कहा कि सीता चलो पिंडदान करेंगे, कहा स्वामी हम तो पिंडदान कर चुके हैं, पिंडदान कर चुके हैं, बोले हाँ पिताजी आए थे स्वामी, उन्होंने हमें आज्ञा दी कि जल्दी पिंडदान करो, नहीं तो हमारी मुक्ति नहीं होगी, तो हमने पिंडदान कर दिया। किसने देखा है पिंडदान करते हुए? कहा कि स्वामी हमने चारों को किया है, ब्राह्मण को किया, गौ को किया, फाल्गु नदी को किया और पिताजी को पिंडदान किया। भगवान राम ने कहा सही कह रही है, बोले हाँ स्वामी क्यों आपसे झूठ कहेंगे, अगर विश्वास नहीं है
तो ब्राह्मण देवता से पूछ लो। तो ब्राह्मण देवता वहीं पे थे। ब्राह्मण देवता ने कहा कि पिंडदान झूठ बोल रही है सीता, कोई पिंडदान नहीं हुआ। हमें संतुष्ट अंदर क्या था, संतुष्ट नहीं हुए हैं। रेत का पिंडदान करके क्या हमको पूर्ण किया उन्होंने? नहीं। बाद में गौ माता की ओर देखा, रो रही है मां, ये क्या सत्य भाषण कर रहे हैं महाराजा, हमने अभी पिंडदान किया है। बाद में जब गौ माता की ओर देखे, गौ माता ने भी मुख मोड़ लिया, कहा कि तुमने पिंडदान नहीं किया। फाल्गु नदी से कहा कि मां आप बोलिए, आपके ही रेत को निकाल कर हमने चार पिंड बनाए थे, आप ही बोलिए। फाल्गु नदी ने भी एक शब्द में मना कर दिया, तुमने पिंडदान नहीं किया सीता। लेकिन राजा दशरथ उसी फाल्गु नदी के मध्य भाग से राजा दशरथ का हाथ बाहर आया है और भगवान राम ने अपने पिता का हाथ देखा है और उसी हाथ पर अपना हाथ रख दिया और पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ है। बोले राघविंद सरकार की, बोले शंकर भगवान की जय। और मोक्ष को मिला, लेकिन मां सीता चुप नहीं रही। कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, मैं आपको श्रेष्ठ समझ करके मैं दान की, पिंड दान की, और आपने ही मुझसे झूठ कहा। जाइए, हम आपको श्राप देते हैं। श्राप यह है कि आपको हम कितना भी दे, कितना भी दान हो, लेकिन आप सदैव असंतुष्ट ही रहेंगे। गौ माता को श्राप दिया, कहा कि गौ मैया, हम आपको श्रेष्ठ समझते थे और आपने अपने मुख से झूठ बोला है। हम श्राप देते हैं आपको कि आज के बाद आपके मुख का पूजन नहीं होगा, आपके मुख की पूजन नहीं होगी। इसलिए देखिएगा, हम परिक्रमा करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कन्या दान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गौ माता के मुख की पूजन नहीं होती। कहाँ की पूजन होती है? पूछ की, पूछ की पूजन होती है। और परिक्रमा भी करते हैं तो मंदिरों में भगवान के सामने से परिक्रमा शुरू होती है और भगवान के सामने अंत होता है, लेकिन गौ माता की परिक्रमा पूछ से प्रारंभ होती है और पूछ से विश्राम होता है। ये श्राप मिला गौ माता। फाल्गु नदी को भी श्राप मिला है। फाल्गु नदी, तू भी झूठ बोल रही थी, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तो सदैव सुखी ही मिलेगी। आज भी हमारा प्रयागराज और काशी के मध्य में आपको फाल्गु नदी मिलेगी। आज भी लोग जब पिंडदान करते हैं ना, पहले रेत से उसमें जल निकालते हैं, रेत हटाते हैं तो जल आता है, उनके बाद उसे पिंडदान करते हैं। वो फाल्गु नदी लखनऊ से होकर भी गुजरी है विशेष रूप से, और जहां मेरे राम जी ने दशरथ जी का पिंडदान किया था, आज भी ऐसा प्रमाण है। उस स्थान पर अगर हम अपने पितर का पिंडदान करते हैं तो हमारे जो पितर हैं भगवान सेतुलोक पर प्रवेश करते हैं, भगवान राम के लोक पर प्रवेश करते हैं। आज भी ऐसा प्रमाण है। बार बार आकाशवाणी होने पर भी ब्रह्मा जी नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं। देखो, एक निवेदन करूं, आजकल ना कसम खाना तो बहुत सरल हो गया है। आजकल लोग ना गंगा जी को लेकर कसम खाते हैं, गंगा जल को उठा लिया, कसम खा लिया। एक बात समझिएगा, गंगा जल को उठा करके कसम खाना कोई साधारण कसम नहीं है। गीता को उठा करके कसम खाना कोई साधारण कसम नहीं है। आपने गीता को उठाया है तो भगवान कृष्ण को उठा लिया है अपने हाथ में, और आपने गंगा जल को उठाया है तो मेरे महादेव को अपने हाथ में ले लिया है। कई लोग कसम खाते हैं, राजनीति में तो होते ही रहता है।
इसलिए तो जा रहे हैं, इसलिए तो दशा भी देख रहे हैं ना। जितना झूठ बोल सको बोल लो, जितना छल छल कर सको कर लो, जितनी झूठी कसम खानी है खा लो, कभी मत खाना मेरे भाई बहन, कसम तो कभी खाना नहीं चाहिए। देखो झूठ बोलने वाले व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं आपको। झूठा व्यक्ति का लक्षण क्या लक्षण है? झूठा व्यक्ति पहले कसम खाता है फिर अपनी बात कहता है। अब गौर करिए,